हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल पर अपने फोटोज जिप फाइल या फिर किसी चीज या फिर कोई पोस्ट आप लोग कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग बोले कि भाई ये तो मैं जानता हूँ, तो सही बात है, आप लोग जानते हो। ये उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते कि यूट्यूब पे शायद से वीडियो यूट्यूब पे फोटोज इमेज पोल या फिर पोस्ट कुछ भी कर सकते हो, वो कैसे करना है वो चीज़ बताऊंगा। और साथ ही वो एक फीचर्स होती है यूट्यूब पे जो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ। वैसे आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पता है जानते हो, लेकिन बहुत लोग मुझे कमेंट किए थे कि भाई मैं नहीं जान रहा हूँ, वो न्यू मतलब अभी अभी चैनल स्टार्ट ही किया। हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर आप अपने फोटोज या फिर किसी जिप फाइल फोटोज को या फिर आप लोग अपने पोस्ट को या आप लोग कर सकते हो अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, कैसे करोगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सारा कुछ जानने के लिए वीडियोस को एंड तक देखिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊं कि सबसे पहले चीज जो पोल वाली बात है, पोल करने के लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले यूट्यूब का जो पोल फीचर है, आप लोग कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो सॉरी यूट्यूबर्स के आपके होम पेज पे आ गए होंगे, आप जिनको सब्सक्राइब करके रखते हो, ठीक है, उनके यूट्यूबर्स के आपका वो कुछ भी पोस्ट या किसी फोटो या पोल करते हैं तो आपके होम पेज पे ही आ जाते हैं कि भाई ये जो है आपके ये पोस्ट किया है फोटो या फिर कुछ भी जिप फाइल या पोल करते हैं तो वो आपको आ जाता होगा, आप लोग देखे होंगे। अब यहाँ पर बता दूं कि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है, वो एक फीचर्स होता है जिसके वजह से आप फोटोज को पोस्ट कर सकते हो या फिर पोस्ट करना है आपको किसी चीज को या कुछ लिख करके शेयर करना है तो वो सब चीज के लिए एक अलग से फीचर्स आता है जिसका नाम होता है कम्युनिटी टैब। जी हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग आप लोगों में से मुझे पता है कि आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, कुछ लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो लोग जानते हैं वो भी देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा टैब का चीज बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज आप कर सकते हो। सो अब जो ये फीचर्स है यूट्यूब का, ये फीचर्स आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपकी चैनल पर दिया जाता है। जी हाँ, आपका चैनल में एक नया फीचर ऐड होगा जिसका नाम होगा कम्युनिटी टैब, और इसी के द्वारा आप लोग अपने चैनल पर फोटोज या फिर किसी जिप फाइल या पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, पोल भी कर सकते हो। सो इसके लिए आप लोग समझ गए 1000 सब्सक्राइबर आपके होने जरूरी है, वरना ये नहीं मिलेगा आपको। सो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको पोस्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आप जैसे अपने YouTube चैनल को ओपन करोगे ऐप में, अपने मोबाइल ऐप में, ठीक है, तो ऐप के द्वारा ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल सभी लोग मोबाइल में YouTube चलाते हैं इसीलिए। तो ऐप में जैसे ही आप लोग YouTube चैनल ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर प्लस वाला आइकन जो अपलोड करते हो जहाँ से वीडियोस का, जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तभी वहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला लाइव और फिर दूसरा आपके वीडियोस को अपलोड करने वाला, सॉरी पहला वीडियोस को अपलोड करने वाला, फिर लाइव का ऑप्शन होगा और फिर तीसरा ऑप्शन होगा कम्युनिटी टैब का, ठीक है, मतलब कि पोस्ट का, ठीक है, मतलब पोस्ट कर सकते हो आप लोग कुछ भी फोटोज वगैरह पोस्ट करने का तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर मेरे चार ऑप्शन है क्योंकि मुझे स्टोरी फीचर्स भी मेरे चैनल पर ऐड है, आप लोग जानते हो, तो वो बाद में बात करूंगा स्टोरी फीचर्स के बारे में, लेकिन स्टोरी फीचर्स भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो बाद में बात करूंगा। अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अब आपको फोटो जो है कैसे शेयर करना है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है अपलोड करने के लिए, और पोस्ट से अपना फोटो को सेलेक्ट करना है जो फोटो आपको अपलोड करना है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आप फोटो को अपलोड कर सकते हो। जी हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है, आप जब भी अपने चैनल पर जाओगे, जब भी आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं और आपका कम्युनिटी टैब आपके चैनल पर फीचर्स कर दिया जाता है, मतलब ऐड कर दिया जाता है, तो आपके चैनल पर जाओगे तो आपको स्लाइड करना है और वीडियो से फिर स्लाइड करते करते आपको वहाँ पर एक कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिलेगा, और कम्युनिटी टैब का ऑप्शन पर वहाँ पर आपको पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आपको वहाँ पर राइट का और वहाँ पर क्लिक करना है, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर पोस्ट लिख सकते हो, पोल कर सकते हो, आप लोग पोल करने के लिए भी ऑप्शन है वहाँ पर, आप कुछ पोल कर सकते हो और पोल में ऑप्शन भी दे सकते हो आप लोग, फिर बाद में आप लोग चाहो तो पोल में इमेज को ऐड नहीं कर सकते हो, पोल अलग से आपको करना पड़ेगा, और चाहो तो आप लोग इमेज को यहाँ पर ऐड करके सीधा पोस्ट कर सकते हो कुछ भी लिख करके। सो इस टाइप से आप लोग अपने कम्युनिटी टैब को यूज कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। अब कम्युनिटी टैब से क्या होता है कि आपके कम्युनिटी टैब के द्वारा आपके सारे सब्सक्राइबर जो शायद एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ जो शायद एक्टिव नहीं थे या फिर एक्टिव थे बाद में आए और वो आपका वीडियोस नहीं देख पाए, तो उसका आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई मैंने ये वीडियोस अपलोड किया, जाकर देख लीजिए अच्छी है, या फिर कुछ भी आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का भी अपडेट दे सकते हो अपने चैनल पर। सो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे सिंपल भाषा में हिंदी में कि आप लोग कैसे कम्युनिटी टैब का यूज करेंगे, और जिसको कम्युनिटी टैब और जिसको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद भी कम्युनिटी टैब आपको नहीं मिला है तो फिर आप मेरे इस आई बटन में एक वीडियोस का लिंक दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख सकते हो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद कम्युनिटी टैब क्यों नहीं मिला है और कैसे मिलेगा,
तो इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, जाके आई बटन में लिंक दे दिया हूँ। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, नॉलेज मिल गई है तो एक लाइक के बिना कहीं बन जाएगा। साथ ही चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।